नमस्कार। तो आज मैं बना रही हूँ सिर्फ 5 मिनट में बनने वाला कलाकंद और बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही लजीज ये बनेगा। चलिए बनाते हैं। मैंने यहाँ 200 ग्राम पनीर लिया है। पनीर मैंने घर पर ही बनाया है, आप चाहें तो मार्केट से भी ले सकते हैं, लेकिन बाज़ार वाले में कभी कभी थोड़ा थोड़ा खट्टापन होता है, इसलिए ताज़ा पनीर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा बनेगा। और छोटी सी चम्मच मैंने घी की, उसमें डाल दिया कद्दूकस किया हुआ पनीर। 1 कप मैंने यहाँ मिल्क पाउडर डाला है। थोड़ा सा मेरे पास ये मिल्क पड़ा था, लगभग 60-70 ग्राम होगा इसमें। वैसे 200 ग्राम अगर मिल्क मेड डालेंगे तो बहुत अच्छा बनेगा ये कलाकंद। तो इसे अच्छे से हमें मिला लेना है इस तरह से। थोड़ी सी चीनी की कमी लगी मुझे तो मैंने मीठा डाल दिया, पीसी हुई चीनी 1.5 चम्मच। आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें मीठा मिला सकते हैं। इस तरह से अच्छे से हमें मिला लेना है और ये हमारा कलाकंद लगभग तैयार हो गया है। थोड़ा सा इलायची पाउडर छिड़के गैस को करेंगे बंद। अब हम बर्तन में थोड़ा सा घी डाल करके ब्रश से चारों तरफ फैला देते हैं और हमारा तैयार कलाकंद इसमें जमा देंगे। इस तरह से हमें इसे जमा करके ऊपर ड्राई फ्रूट्स के टुकड़े और अच्छे से हम इसमें सेट कर देंगे। थोड़ा सा मैं चांदी का वर्क लगा रही हूँ, आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। केसर की कुछ पत्तियाँ मैंने पानी में भिगो ली थी, वह इस पर डालेंगे तो बहुत अच्छी खुशबू आएगी, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा। तो ये इजीली बनने वाली जो मिठाई है घर पर, एक तो शुद्ध बन जाती है, बहुत ही जल्दी बन जाती है और किफ़ायती भी रहती है। तो आज की मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।